आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि ADC, CMP और ISDC साथ ही साथ में मेन कैंपस की जो कट ऑफ है वो लगातार जारी कर दी गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा, कल स्पोर्ट कोटा वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो भी स्पोर्ट कोटा से थे तो उनको बुलाया गया था ऑफलाइन, जाके वहाँ पर एडमिशन ले सकते थे। और कल ISDC का भी, यहाँ पर ADC का हमने देखा था कि कल, हालाँकि वीडियो नहीं बनाया था हमने, तो थोड़ा सा डिले हो गया था, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और आज जो है 23 नवंबर है, 23 नवंबर की डेट को आज काफ़ी सारे कॉलेजेस ने अपनी जो कट ऑफ है वो जारी कर दी है। तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा उन स्टूडेंट के लिए जिनके नंबर कम है, यहाँ पे मार्क्स जिनके बहुत कम हैं। तो यहाँ पे जगत तरण का भी हम देखेंगे, 60 आ गई है BA की कट ऑफ, जो गर्ल्स लेना चाहती है वहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं। यानी 60 नंबर वालों का जो हमने कहा था स्टार्टिंग में, वो चीज़ें अब यहाँ पे कृतार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। तो बेसिकली समझने का प्रयास करते हैं, ADC यानी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की जो कट ऑफ गई है वो आज के डेट में अगर देखने का प्रयास करें तो 23 नवंबर की काउंसलिंग के लिए BCOM बॉयज़ जो है वो किडगंज कैंपस जाएंगे। EWS का 138 गई है एंड अबव OBC का 135 गई है, ठीक है। BCOM के लिए काफ़ी फेमस है, इस वजह से इसकी कट ऑफ इस बार काफ़ी हाई रही है, लेकिन अभी गिरेगी, सो डोंट वरी। जबकि SC के ऑल कैटेगरी को बुला लिया गया और ST के भी ऑल कैटेगरी को बुला लिया गया है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। तो OBC और EWS का भी यहाँ पे गिरने के चांसेस अभी बिल्कुल हैं, ठीक है। तो BCOM के लिए हमने देख लिया। BCOM गर्ल्स की बात कर लेता हूँ मैं, तो BCOM गर्ल्स का बात समझने का प्रयास करते हैं कि 0 रोड आपको कैंपस जाना पड़ेगा, वहाँ पर EWS यहाँ पे गर्ल्स की हाइएस्ट कट ऑफ ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की जो सीट है वो लगभग फुल हो चुकी है। तो इस वजह से इसकी कट ऑफ जो काफ़ी हाई चल रही है, लेकिन डोंट वरी, अभी ISDC और CMP भी है, तो इस वजह से हम नहीं कह सकते कट ऑफ नहीं गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी ही। EWS का जो कट ऑफ गया वो 150 एंड अबव गया, यानी 150 और उससे ऊपर अगर आप पाते हैं तो आप BCOM गर्ल्स यानी 0 रोड कैंपस में आप करवा सकती हैं और एडमिशन लोगे लेकर। दूसरा चीज़ ये कि OBC का जो कट ऑफ गया है वो 148 गया और SC का 110 गया है, जबकि ऑल अपियर्ड ST और ऑल माइग्रेंट्स कश्मीरी माइग्रेंट्स को यहाँ पे बुला लिया गया है। वही मैं BSc मैथ्स की बात करूँ तो BSc मैथ्स बॉयज़ एवं गर्ल्स दोनों के लिए किडगंज कैंपस आपको जाना पड़ेगा, जिसकी कट ऑफ EWS के लिए गई है 125 एंड अबव, OBC के लिए 119 एंड अबव, जबकि SC के लिए 92 एंड अबव गई है, जबकि ऑल ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे, BSc मैथ्स एंड बॉयज़ एवं गर्ल्स दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, आपको किडगंज कैंपस जाना पड़ेगा, क्योंकि किडगंज कैंपस में BSc मैथ्स का जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए एक ही कॉलेजेस में है, जबकि BCOM के लिए अलग अलग हैं, ठीक है। तो EWS का 125, OBC का 119 गया है और SC का 92 गया है। वही मैं बात करूँ BA की मैं बात करता हूँ, तो BA की जो है 100 के अंदर आ गई, जैसा हमने कहा भी था कि अगली कट ऑफ जो है 100 के अंदर आ जाएगी और जल्द ही ये 60 के आसपास भी आ ही जाएगी। BA बॉयज़ की बात करता हूँ, किडगंज कैंपस आपको जाना है, ऑल कैटेगरी के लिए 95 एंड अबव गया है, यानी सभी कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS हो या फिर SC ST हो, सभी कैटेगरी के लिए 95 और उससे अधिक पाने वाले सभी अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जबकि ऑल अपियर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है और ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी यहाँ पे बुला लिया गया है, ठीक है। 95 आ गई है, वही सेम गर्ल्स के लिए भी है, यानी BA आपको सिर्फ 0 रोड कैंपस जाना है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे बताया गया है ऑल कैटेगरी 95 एंड अबव गई है, जबकि वही ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं बात करें ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी यहाँ पर बुला गया है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे ADC का हमने देख लिया है, अब हम बात कर लेते हैं BSc मेन कैंपस की। यहाँ पे कुछ अपडेट आई है जिसको समझने का प्रयास करते हैं। BSc मेन कैंपस अपडेट यहाँ पे बताई गई है कि मैथ्स एम बायो की नई कट ऑफ जो है वो जारी कर दी गई है। मैथ्स एम बायो दोनों की कट ऑफ वो 23 नवंबर की काउंसलिंग यानी आज के डेट में 171 ऑल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 171 गई है। वहीं मैं BSc बायो की बात करूँ तो BSc बायो की जो कट ऑफ गई है वो 150 एंड अबव गई है। वहीं ऑल अपियर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। बात कर लेते हैं CMP डिग्री कॉलेज की अपडेट की, ठीक है। ये था BSc मैथ, यानी 171 आपका है तो BSc मैथ में आप एडमिशन ले सकते हैं। बायो का जो गया है वो 150 गया है, ठीक है। यहाँ पे 21 नंबरों का अंतर यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ, क्योंकि मैथ में ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे हैं और बायो में कम स्टूडेंट है। CMP की बात कर लेते हैं, तीसरा कॉलेज जो है हमारा, CMP की बात कर लेते हैं। CMP को भी 23 नवंबर की डेट में बुलाया गया काउंसलिंग के लिए, ठीक है। 23 नवंबर की BCOM की बात कर लेता हूँ, तो BCOM के लिए ऑल अपियर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। अगर ST अब नामांकन नहीं लिए तो उनकी सीट, बची हुई सीट SC कैटेगरी में बदल जाएगी। बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि BCOM यानी CMP की मैं बात कर रहा हूँ, CMP की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ बताया गया है कि अब जल्द ही SC के लिए कुछ फ़ायदे होंगे, क्योंकि जो लोवेस्ट कट नंबर वाले भी होंगे उनका भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जो ST की सीट बची हुई है उसमें बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो उसमें SC वालों को बुला लिया जाएगा, SC कैटेगरी को।
बीएससी मैथ की बात करता हूँ सीएमपी के लिए, तो बीएससी मैथ की जो कट ऑफ गई है वो ईडब्ल्यूएस के लिए 124 गई है एंड अबव। ठीक है, बीएससी मैथ अगर आप करना चाहते हैं और 124 आपका है तो जल्द यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी कट ऑफ जो है वो 110 के आसपास आ जाएगी, 105 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, बीएससी मैथ्स और ईडब्ल्यूएस 124 गई है एंड अबव, वहीं ओबीसी जो 128 एंड अबव गई है, जबकि एससी की बात किया जाए तो एससी जो है 104 एंड अबव गई है, वहीं ऑल अपीयर्ड एससी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं बात इस बात का ध्यान रखिएगा कि एसटी कैंडिडेट अगर नामांकन नहीं लेते हैं तो उनकी बची हुई सीट पर एससी कैटेगरी का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं मैं बीएससी बायो की बात करूँ तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की 40 गई है, क्योंकि बीएससी बायो के काफ़ी कम स्टूडेंट हैं तो ईडब्ल्यूएस की 40 एंड अबव गई है, यानी 300 में से अगर आप 40 लाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं मैं ओबीसी की बात करूं तो 86 है, यानी अब बीएससी बायो में बीएससी बायो से करना चाहते हैं और आप सीएमपी लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली अब मिल जाएगा 100 के अंदर अगर आप हैं, और जल्द ये 60 के आसपास भी आ जाएगी। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं, जनरल की भी मैं बात कर रहा हूं। एससी की मैं बात करूं तो एससी के लिए 60 एंड अबव गई है, जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वही सेम प्रोसेस, इसमें भी एसटी नहीं लेते हैं तो एससी को जो है वो सीट नामांकन कर दिया जाएगा। वहीं मैं बीए की बात करूँ तो यहाँ पे 130 आ चुकी है ऑल कैटेगरी के लिए, यानी चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 130 अगर आपका नंबर है तो आप सीएमपी में जो है सीएमपी में आप एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अब जल्द ये 100 के अंदर ये भी आ जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, सभी का हो जाएगा। ऑल अपीयर एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। मैं बात कर लेता हूँ जगत तरंग की, जो कि लोवेस्ट कट ऑफ इस समय चल रही है जगत तरंग की कॉलेज की। सेकंड फेज़ की कट ऑफ जो है जारी कर दी गई है, सेकंड फेज़ में ही इतना गिर गया है, यानी लोवेस्ट मतलब जो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं उनको भी यहाँ इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि उनको भी यहाँ पे ले लिया जाएगा। बीए के लिए सेकंड फेज़ की जो रजिस्ट्रेशन डेट जारी कर दी गई है 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में सुबह 11:59 तक जो है कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 11:59 PM तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर आपको jtgdc.ac.in पर जाना होगा और वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी आपको दिखाई जाएगी। आपको एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी दिखाई गई है वो बीए के लिए 60 गई है। ठीक है, ऑल कैटेगरी, चाहे आप जनरल से हों, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, बेसिकली यहाँ पे इस बार काफ़ी ये चीज़ें अच्छी चीज़ लगी कि सभी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो सेम ही, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए एक तरीके से पढ़ाई तो सब सेम ही लेवल के किए हैं तो कट ऑफ भी वो सेम ही लेवल की होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज यानी होनी चाहिए एज आई थिंक। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इस बार, क्योंकि ऑल कैटेगरी की जो है कट ऑफ इस बार काफ़ी जारी की जा रही है और सेम ही कट ऑफ जारी की जा रही है, तो इस चीज़ को लेकर के, हालांकि अभी भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस तो नंबर्स में आते ही हैं, रिजर्वेशन तो है ही। बीए की मैं बात करूँ तो ऑल कैटेगरी जो है वो 60 एंड अबव गई है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो है 30 गई है। देख सकते हो, मतलब 300 में से 30 आप अगर नंबर लाएँ तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। और एससी के लिए 10 गई है, एससी के लिए 10, यानी 300 में से अगर आप 10 भी ला दिए हैं, तुक्का भी मार दिए हैं, तब भी आपका हो जाएगा। ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया, यानी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठे हो तो आपका हो जाना है। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन नामांकन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं मैं बात कर लेता हूँ मेन कैंपस की बीए की, तो मेन कैंपस जो बीए की है जनरल कैटेगरी, टोटल सीट जो है वो 1755 प्लस सीटें हैं इस टाइम पे। ठीक है, जनरल कैटेगरी की जो टोटल सीटें हैं बीए के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो वो 1755 प्लस सीटें हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं मैं बात करूँ तो 1200 सीट लॉ और 591 पर सीट पर अलॉटमेंट, अगर 591 में नहीं जमा फीस किए छात्र तो आएगा जनरल का अगली कट ऑफ। जल्दी जो है 1200 सीट जो लॉक हो गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो टोटल सीट है वो 1755 प्लस सीटें हैं और यहाँ पे 1200 सीटें जो हैं वो लॉक हो गई है, 591 सीट पर अलॉटमेंट, अगर 591 में नहीं जमा फीस किए तो छात्र तो अगला जो है जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ निकलने के चांसेज हैं। ठीक है, 591 सीटें अभी तक ये फीस नहीं जमा किए हैं, आज शाम तैयार होगा, बाकी सीट्स का जो है खाका तैयार हो जाएगा। अब मैं अगले कॉलेजेस की बात कर लेता हूँ ईडीसी की। ईडीसी की जो है, देखिए ईडीसी के अपडेट की मैं बात करूँ तो बीए के अभी और गिरेंगे कट ऑफ, जो बीए की कट ऑफ है वो अभी और गिरेगा, जैसे कि हमने बताया था कि 60 के आसपास आ जाएगा, उसके नीचे भी आएगा, सो डोंट वरी, 10-20 तक गिर सकता है बीए का कट ऑफ, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी 300 में से 10-20 भी लाए हैं तो अभी आपका हो जाएगा। वही मैं बात कर लेता हूँ बीकॉम और बीएससी की, तो बीकॉम बीएससी के लिए आवेदन के अनुसार जनरल की सीट लगभग फुल सोमवार या मंगलवार को तैयार होगा खाका, मतलब बीकॉम और बीएससी के लिए मैं बात करूँ तो आवेदन के अनुसार जनरल की जो सीट है वो लगभग फुल हो चुकी है। ठीक है, अब सोमवार मंगलवार को तैयार हो जाएगा, तो बाकी बची रही सीटें तो अगला जनरल जो है, अगला जो कट ऑफ होगा जनरल के लिए आएगा। मैं आईएसडीसी की बात करूं, आईएसडीसी की तो भ्रमित ना हो, आज एक सूचना के अनुसार ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रवेश में इच्छुक छात्रों के लिए अब कुछ नए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आए हैं। उस सूचना का मतलब यह नहीं है कि कट ऑफ में जीरो है,
कट ऑफ के अनुसार ही प्रक्रिया चलेगी, केवल कुछ नए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे भ्रम पैदा हो जाता है कि एक अनुसार यहाँ पे ISDC ने खुद बताया है कि जो प्रवेश के इच्छुक जो छात्र हैं, अब कुछ नए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आए हैं यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उस सूचना का मतलब यह नहीं है कि कट ऑफ में जीरो हैं, कट ऑफ के अनुसार ही प्रक्रिया चलेंगी, केवल कुछ नए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आए हैं, इस बात का रखिएगा कि कट ऑफ के हिसाब से ही आपका जो है वो चीज़ें जो हैं एडमिशन होगा। इसमें कई बार हमने कल देखा था, इसमें थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सब आपको हो ही जाना है, ठीक है, हो जाना है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे नया आया है, इस वजह से सर्वर भी कल थोड़ा सा डाउन था, और इसकी वजह से साथ ही साथ में यहाँ पे नया सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आया है, तो एडमिशन तो हो जाना है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, भ्रम नहीं पैदा करना है। जो ऑफिशियल न्यूज़ होती है उसी पर बिलीव कीजिए, जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके देखिए, जानकारी प्राप्त कीजिए, इसके बाद ही कोई स्टैंड लीजिए। वहीं मैं बात करूं ISDC के प्रवेश अपडेट के बारे में, तो 23 नवंबर जो है 2020 के लिए BA की जो कट ऑफ गई है वो 130 है, जल्द ही ये 100 के अंतर्गत आने के चांसेस हैं। SC का जो है ऑल अपियर कैंडिडेट को बुला लिया गया है, जबकि वहीं BVOC की बात करूं तो ऑटोमोबाइल्स एंड फूड प्रोसेसिंग इंटर पास सभी अभ्यर्थी को यहाँ पे बुला लिया गया है। फॉर मोर अपडेट की मैं बात करूँ तो फॉर मोर अपडेट जो आप विजिट कर सकते हैं ISDC.ac.in पर, ऑनलाइन एडमिशन के बारे में प्रक्रिया है जो भी होंगे आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। वहीं मैं BSc मेन कैंपस की अपडेट की बात करूं तो होम साइंस की पहली कट ऑफ जो है वो जारी की जा चुकी है। होम साइंस की BSc होम साइंस की ऑल कैटेगरी के लिए 184 गई है एंड अबव, मतलब BSc होम साइंस अगर आप करना चाहती हैं या फिर करना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे 184 एंड अबव काफ़ी हाई कट ऑफ गई है, पहली कट ऑफ ये निकाली गई है। इस वजह से ऑल अपियर्ड कैंडिडेट जो है EWS OBC और SC ST, सबसे बड़ी बात है कि EWS OBC और SC और ST के लिए बुला लिया गया है सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ कह सकते हैं एक तरह से कि जनरल के लिए जो है 184 कट ऑफ गई है, जबकि EWS OBC और SC ST को सभी को बुला लिया गया है। ये 184 जो सीट अभी आप देख रहे हैं ये भी जल्द ही गिरने के चांसेस हैं, उम्मीद है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एट द लास्ट मैं सलाह देना चाहूँगा कि एडमिशन तो सभी का हो जाना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, सर्वर कई बार डाउन हो जाता है। देखिए, आप अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो आप हर कॉलेज की जो है एक हेल्पलाइन नंबर होती है, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिए। हालांकि वो लोग जो है कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो आपके प्रोफाइल से। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो है ई काउंसलिंग, अगर आप मेन कैंपस करवा रहे हैं तो ई काउंसलिंग पोर्टल पर आपको जाके जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अपना रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके प्रोफाइल से होगी, वहाँ पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हर कॉलेज की अपनी ऑफिशियल साइट है। ठीक है, आपको पता ही होगा जैसे ISDC.ac.in पर, ठीक है, जगत रंग का अलग है, तो उस पर आप पहले जाइए, जो भी है, अगर आपसे नहीं होता तो मैं सलाह दूंगा कि आप किसी साइबर कैफ़े वाले की मदद लीजिए, जिसके माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा, पहली बात। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बात कीजिए हेल्पलाइन नंबर पे, और दूसरी बात ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके प्रोफाइल पे ही शो होगी, जो आपके स्टेटस होगा कि क्या क्या चीज़ें आपने किया है तो उसमें दिखाएगा कि हाँ ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, ये चीज़ें अभी बाकी है, जैसे फीस पेमेंट करना बाकी है। सीट अलॉटमेंट में हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, 1 घंटे 2 घंटे, ऐसा नहीं कि 5 बजे कहा है तो 5 बजे आपको दे दिया जाएगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है डेफिनेटली कि हो ही जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं आधे या 1 घंटे के लिए एक समय निकाल लूँगा जिसमें मैं आपको नंबर, एक वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको नंबर दे दूँगा। ठीक है, आधे 1 घंटे आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे के अंतर्गत जितने भी कॉल्स आएंगे मैं सारी कोशिश करूँगा कि मैं पिकअप करूँ, क्योंकि इस समय जो है मैं माफ़ी चाहूँगा कि कई लोगों के कॉल्स आ रहे थे मैं उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं कल बाहर था, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल सका, तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे का आपका वक्त मिले आपको, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको शेयर कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर मैं कमेंट देखूँगा कि ज़्यादा तादाद में अगर कमेंट आ रहे हैं तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं नंबर कुछ दे दूंगा कुछ लोगों का या फिर अपना ही, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आप उनसे पूछ सकते हैं या फिर हमसे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम से भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दे दिया जाए, आज मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आज काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, काफ़ी लोगों को डाउट्स है, काफ़ी लोगों को एडमिशन को लेकर के काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, तो मैं सोचूंगा कि उसको जो है रिप्लाई दे दिया जाए। तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस, थैंक यू सो मच, और ध्यान दीजिएगा कि जो भी अपडेट आएगी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं आज जो है आप ही के पास में हूँ, थोड़ा सा मैं कल बाहर था इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। थैंक यू सो मच।